महातेजस्वी वानर वीरों, जो युद्ध हम आज लड़ने जा रहे हैं वो सही अर्थों में धर्म युद्ध है। संसार में जब जब अधर्म का वर्चस्व बढ़ेगा तब तब इस युद्ध को स्मरण किया जाएगा। इसीलिए धर्म की रक्षा के लिए इस युद्ध को लड़ने का संकल्प लो। अपने धैर्य और पराक्रम के बल पर इस युद्ध में विजय प्राप्त करो। ये संसार सदैव तुम्हारी विजय गाथाएं गाएगा। इतिहास यही दोहराएगा कि एक दिन अधर्म और अत्याचार के विरुद्ध समस्त वानर वीर एकत्रित हुए थे और उन्होंने अपने शौर्य, अपने धैर्य, अपनी साहस और अपनी वीरता के बल पर लंका के समस्त असुरों को परास्त कर दिया और धर्म की स्थापना की। कुलंदन, ये प्रहस लंकेश का सेनापति है। प्रतीत होता है कि लंकेश ने आज इसे ही युद्ध का नेतृत्व सौंपा है। आक्रमण! ये दुर्मुख है,
लंकेश का एक और बलशाली योद्धा। तू ही है जिसने हमारी स्वर्ण लंका जलाई थी, तू ही है जिसने लंकेश के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया था। तब से तुझे दंड देने की प्रबल इच्छा थी, पर तू भाग निकला। किंतु आज तू पछताए पाएगा वानर। दुष्ट दुर्मुख, शास्त्रों में कहा गया है कि जो बलशाली वीर और पराक्रमी योद्धा होता है वह अपने बल और पराक्रम का पखान नहीं करता, अपितु युद्ध भूमि में वह अपना रण कौशल दिखाता है। तो प्रतीक्षा किस बात की? आओ और आकर मुझे दंडित करो। कायरों की भांति बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो? दुर्मुख, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु श्री राम के धर्म युद्ध में निहत्थों पर वार नहीं किया जाता। उठा लो गदा। ये तो मुझे दंडित करने आया था, किंतु ऐसा लगता है कि ये भूल गया कि मुझे दंडित कैसे करना था। अब जा और अपने महाराज रावण से पूछ कर आ। सुग्रीव,
अपने भाई की हत्या करवाई, वो भी छल से। मुझ जैसे कायर के साथ युद्ध करना मुझ जैसे वीर के लिए अपमान की बात है। युद्ध में रघुनंदन श्री राम का साथ देकर गौरव और सम्मान की अनुभूति हो रही है। वो धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। वीरों के लिए अपमान की बात तब होती है जब अपने बल अपने पराक्रम का उपयोग अधर्म के लिए करते हैं, जैसे कि तू। अभी भी समय है तेरे पास, धर्म के मार्ग पर चल सकता है। आओ मेरे साथ चलो और प्रभु श्री राम से क्षमा मांग लो, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। प्रहास सावधान सुग्रीव। इन दोनों असुरों का काल ही ने युद्ध भूमि में लेकर आया है। नहीं लक्ष्मण, हमें यदि इस युद्ध में विजय प्राप्त करनी तो वो अपनी रणनीति का अनुसरण करते हुए ही करना होगा। और हमारी नीति ये कहती है कि जो असुर योद्धा जिस वानर योद्धा के समक्ष आएगा वही उससे युद्ध लड़ेगा। जी भैया। क्या हुआ विभीषण? रघुनंदन, लंकेश जो अपनी रणनीति और युद्ध कौशल से तीनों लोगों का स्वामी बने, इस युद्ध में उसकी इतनी सरल युद्ध नीति कैसे हो सकती है? निश्चय इसमें कोई रहस्य है, जिस रहस्य को हम देख नहीं पा रहे। अधर्म और पाप का साथ देने वाला सदैव उतना ही बड़ा अधर्म और पापी होता है, इसलिए आज तेरी मृत्यु निश्चित है। तो तुझे लंकेश भी नहीं बचा सकता मेरे इन हाथों से। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।